प्रिंस के कैरेक्टर हमने खरीद लिया है और अब हम इसे यूज करते हैं। तो पहला गेम है मेरा ये इस प्रिंस के कैरेक्टर से, तो देखते हैं कितना स्कोर कर पाता हूँ। मिनिमम मुझे 10K कॉइन्स तो करना ही है इस मैच में। 10K कॉइन्स के बाद फिर देखते हैं, जब आउट हो जाएंगे तब तक करते हैं। फिलहाल मेरे पास ऊपर दिख रहे होंगे भी 6 स्टार है। 6 स्टार है मतलब धीरे 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 स्कोर बढ़ेगा। ये स्टार जिसके पास ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा उनके पास होते हैं जो पहले से खेल रहे हैं, काफ़ी पहले से जो गेम खेलते हैं उनके पास ये स्टार, क्योंकि मिशन उनके बहुत टाइम से कंप्लीट हुए रहते हैं। लेकिन मैंने अभी ये गेम थोड़ी दिन पहले डाउनलोड किया है तो मेरे पास अभी सिर्फ 6 स्टार हुए हैं। जिसके पास ये स्टार है उसका स्कोर ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है, इसलिए मेरा स्कोर अभी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि स्टार सिर्फ 6 है। फिर भी देखते हैं कितना स्कोर हो पाता है। गेस करो यहीं से, अभी वीडियो को लास्ट में मत जाना, यहीं से गेस करके बताओ कितना स्कोर कर सकता हूँ मैं अभी। ऑब्वियसली मैं मुझे पहली बार से यूज़ कर रहा हूँ तो कम स्कोर तो नहीं करना है, और सर्फर बोर्ड और सब कुछ यूज़ करूँगा मैं, की भी यूज़ करूँगा कहीं शायद, और वीडियोज़ जो देखने का होता है वो भी देखूँगा। तो देखते हैं कितना हो पाता है फिलहाल तो। और मैंने मैग्नेट और ये सब मैक्स कर लिया है सिर्फ शूज़ को छोड़ के, जंपिंग शूज़ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके भी बहुत सारे मिशंस होते हैं, लेकिन मैं वो शूज़ यूज़ नहीं करता क्योंकि वो मुझे बहुत बार आउट करवाते हैं, बहुत बार, बहुत सारे लोगों को कराते हैं और बहुत सारे को पसंद भी होते हैं, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है वो। और मेरा रॉकेट भी मैक्स है, मैग्नेट भी मैक्स है, देखते कितना स्कोर हो पाता है। और इस कैरेक्टर की 2 स्किन और हैं, वो 100 की वाली है एक, और एक 280 की वाली है, तो मुझे वो भी बाय करना है, देखते हैं कर पाता हूँ या नहीं। और स्पेलिंग वाला भी मिशन कंप्लीट हो जाएगा इससे, सिर्फ 2 स्पेलिंग और बाकी है। अभी तो सिर्फ 18,000 हुआ है स्कोर, पता नहीं कितनी देर लगेगी। चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जो भी ये बता देगा, पहला कमेंट जो करेगा कि मेरे टोटल कितने बार मैं इसमें आउट हुआ हूँ, उसको 50 रुपीज़ का रिडीम कोड, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करो, वहाँ पे मुझे मैसेज करना, उसको मैं 50 रुपीज़ का रिडीम कोड दे दूँगा। जो भी पहले बताएगा कि मैं कितनी बार इसमें आउट हुआ हूँ वो उसको मिलेगा। तो देखते हैं कौन करता है पहले, और एक और रखते हैं, मैंने इसमें कितनी की यूज़ की है आगे बढ़ने के लिए, वो जो बता देगा उसको 30 रुपीज़ का रिडीम कोड। रिडीम कोड ऑब्वियसली आप अपना गेम का टॉपअप वगैरह कर सकते हो उससे आसानी से। तो ये दो है जो मुझे बताएगा कितनी बार मैं आउट हुआ हूँ, सब आउट मतलब सब कुछ लेके, सर्वर बोर्ड के साथ है कि या एड, सब कुछ जितनी बार टोटल आउट हुआ हूँ वो सब बताना है काउंट करके, और उसको 50 रुपीज़ रिडीम कोड। और जो बताएगा मैंने कितनी यूज़ की है इसमें, कितनी चाबी यूज़ कर ली है, उसे मैं दूंगा 30 रुपीज़ का रिडीम कोड। जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉलो करो और बताओ मैसेज में, DM में। फिलहाल तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और स्पीड तो काफ़ी, और मेरे पास एक सर्फर बोर्ड है जो मुझे मिली थी, इसका जो लाइट पास होता है, लाइट पास कह सकते हैं क्योंकि फ्री फायर में लाइट पास होता है दूसरे गेम्स में, तो उसमें से मुझे मिला था सर्फर बोर्ड जिसके अंदर रॉकेट वाला सर्फर बोर्ड है, वो रेयर भी है काफ़ी, सिर्फ उसके अंदर ही मिलेगा वो, उससे स्पीड हो जाती है डबल, वो भी यूज़ करके बताऊंगा मैं भी आगे। फिलहाल तो देखते हैं कितना हो पाता है, 54,000 तक हम पहुंच चुके हैं, टॉप रन वाला बस पीछे होने वाला है, 2,000 स्कोर हो रहे सिर्फ उसका। शूज तो नहीं लूंगा मैं, चलो दूसरा टॉप रन कोई है, 25,000 है अभी उनका स्कोर जो भी है, देखते हैं कितना हो पाता है। और किस किस के पास ये वाला कैरेक्टर है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो बहुत ज़्यादा लक्की था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 15 लाख कॉइन मिलना, एक बार आउट हो चुका हूँ मैं, की यूज़ की है मैंने यहाँ पर, वीडियो नहीं देखी है, दूसरी बार फिर आउट, इस बार फिर मैंने की यूज़ किए 2, टोटल 3 की यूज़ कर ली है मैंने। आपका काम और आसान कर देता हूँ, गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 की यूज़ की है मैंने अभी टोटल। और ये सर्फर बोर्ड है मेरे पास जो कि रॉकेट वाला सर्फर बोर्ड है, और भी सर्फर बोर्ड है एक और जिसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा तेज़ है,
तो वो वाला सर्फर बोर्ड उसके उसको की से अनलॉक करना पड़ता है, 55 की लगती है उसको अनलॉक करने के लिए। सर्फर बोर्ड तो है मेरे पास, बस उसकी एबिलिटी अनलॉक करना पड़ती है। ऐसी कैरेक्टर की भी एबिलिटी होती तो और ज़्यादा मज़ा होता। कैरेक्टर की लेकिन इसमें कोई एबिलिटी नहीं है। हाँ फेयर गेम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे तो कोई भी पैसों में कैरेक्टर खरीद के फिर वो वाला मज़ा नहीं आता है। जो देखते हैं उनको स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जो खेलता है उसको इतना पता नहीं चलता है। और अभी तो खैर इतनी स्पीड भी नहीं हुई है मेरे पास, अभी 1600 कॉइन हुए हैं, देखते हैं कितने कॉइन हो पाते हैं। और आपको और कौन से गेम की वीडियोस देखना है वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, उस गेम की वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और इसके अगला वाला जो गेम है वो गेम मैंने डाउनलोड किया है, वो उस गेम की वीडियो ज़रूर डालना है मुझे, वो गेम बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला गेम है बिल्कुल। बेनेट फूड ये नाम है उस गेम का, वो गेम बहुत ज़्यादा टफ भी है, फ्रस्ट्रेटिंग गेम है वो काफ़ी, क्योंकि होता ही नहीं है वो। इसमें जो कर्व वाला रहता है उसमें ज़्यादा कॉइन होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए मैं कर्व वाला ज़्यादा लेता हूँ। और किसका कितना स्कोर हाई स्कोर वो ज़रूर बताना कमेंट में, ज़रूर कमेंट करना किसका स्कोर कितना हुआ है। एक और बार आउट हो गया शायद, मैं अभी 2 बार आउट हुआ हूँ, मुझे खुद ध्यान नहीं है। जो देख रहे हो उसको ध्यान रखना, जिसको भी रिडीम कोड चाहिए फ्री में। मैं शायद 2 बार आउट हुआ हूँ, 3 4 बार हो चुका हूँ अब तो, एक और बार आउट हो चुका हूँ, क्योंकि शूज़ में लूँगा नहीं क्योंकि मुझे आउट नहीं होना जल्दी जल्दी। शूज से एकदम उछल के वो शूज की एबिलिटी कब खत्म हो जाती है, और हम ट्रेन के जस्ट सामने जाके आउट, ऐसा होता है। ओ बचा, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, बच गया फिर से, बच रहा हूं अभी तो, चलो बच गया अभी तो, देखते हैं अब कब आउट हो पाता हूँ। मतलब कब आउट होता हूँ, मुझे आउट होना नहीं है। बस इस गेम की वाली लास्ट वीडियो करेंगे शायद, देखते हैं, अगर इस गेम इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए इस वीडियोस पे तो इसकी अगली वीडियो डालूंगा, वरना ये गेम ख़त्म यहीं पे। देखिए मैंने ऐसे डाउनलोड किया था ऐसे खेलने के लिए, तो सोचा इसकी भी वीडियो डाल देता हूँ। 2 4 5 दिन हुए होंगे अभी सिर्फ उसमें, बस इसकी 3 वीडियो भी डाल दी मैंने शायद, 3 4 वीडियो डाल दिए। इसके बाद खेलेंगे अब दूसरा गेम, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करना। इंस्टाग्राम का मैंने न्यू अकाउंट बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉलो ज़रूर करना। और कमेंट में बताना और किस गेम की वीडियोस आप देखना चाहोगे, पसंद करोगे। फ्री फायर तो मैं अभी नहीं खेलता हूँ, फ्री फायर छोड़ दिया, फ्री फायर अब थोड़ा बोरिंग सा लगता है क्योंकि उसमें सारे करेक्टर अब पैसों वाले, और वो मज़ा नहीं आता है फिर इतना। उसमें अब कस्टम कार्ड वाला काम ज़्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था। अब रैंक को कोई पुश करता नहीं है इतना, और
और जो टॉप में बैठते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से पुश करते हैं, दो दो तीन तीन लोग बैठ के। हाँ37,000 है जो अभी टॉप रन में है, और मेरा स्कोर 1,51,000 हो चुका है, और 2,800 कॉइन समथिंग 3,000 कॉइन हुए हैं। अभी हमें 10,000 कॉइन तक खेलना है, उसके बाद 10,000 कॉइन तक ये कि हाँ मैं यूज़ करूँगा चीज़ें, जैसे कि की यूज़ कर ली या फिर सर्फर बोर्ड है या फिर दूसरी, लेकिन 10,000 कॉइन के बाद मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, उसके बाद जब आउट हो जाए तब हो जाएंगे फिर, लेकिन तब तक तो करते हैं। फिर से कह रहा हूँ मैं, जो भी मुझे बताएगा उसको 50 रुपीज़ रिडीम कोड, और कि कितनी बार मैं आउट हुआ और मैंने कितनी यूज़ करी, जो बताएगा उसको 30 रुपीज़ रिडीम कोड। कोई हो भी सकता है जो दोनों जीत जाए, तो इसलिए पूरी वीडियो अच्छे से देखना। टोटल 80 रुपीज़ का रिडीम कोड जीत सकता है, लेकिन दोनों नहीं जीत सकता कोई भी रिडीम कोड, ये नहीं करेंगे। दो बंदे कोई जीतेंगे, एक जो बता देगा कि मैं कितनी बार आउट हुआ वो 50 रुपीज़, एक जो बताएगा मैंने कितनी यूज़ करी वो 30 रुपीज़। दो अलग अलग बंदे जीत सकते हैं, तो और उनका चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो लोग कंपलसरी है, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना भी कंपलसरी है, तभी आप जीत सकते हो, वरना नहीं जीतोगे। अब कुछ तो मैं भी थोड़ा सोचूंगा, इसलिए फॉलो करना ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की। 1,76,000 हो चुका है स्कोर, 3,300 कॉइन्स हो चुके हैं। ओह शिट, वीडियो देख लेता हूँ यहाँ पे। 2-1 स्टार्ट, रॉकेट फ्री आया था वीडियो में, मैंने इसलिए वीडियो देखा। टू लेग स्कोर होने वाला है हमारा, 2 लेग स्कोर और शायद 4,000 कॉइन होंगे, तो 10,000 कॉइन में कितना स्कोर होगा? 20 लाख तो नहीं हो सकता, और स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जैसे मैंने 2x लिया तो अभी मेरे 12 स्टार हो गए। किसी के पास पहले से 12-24 स्टार होते हैं, अंदर जो मिशन कंप्लीट करते हैं उनको स्टार मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं, मुझे अभी सिर्फ 6 ही मिले हैं। थोड़ा टाइम अगर मैं और खेलूँगा तो मुझे और ज़्यादा मिल जाएंगे, शायद तब तक के गेम मेरे फ़ोन में ना रहे, दूसरा गेम में खेलने लग जाऊँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना जो भी देख रहा है, एक बार एक फ्रेंड को तो शेयर करना ही करना, किसी को भी। ये गेम मैंने इसलिए खेला है क्योंकि जो दूसरे गेम है वो खेल खेल के थोड़ा एक बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला गेम डाला है, क्योंकि बहुत टाइम पहले खेलते थे वाले गेम, ऑफलाइन गेम है ये। इसी का जो मैंने प्रिंसेस वाला खेला था वो थोड़ा टफ है इससे, थोड़ा क्या बहुत ही, ये तो काफ़ी आसान लगता है उसके आगे, वो वाला गेम काफ़ी टफ है, उसमें इतना आसानी से नहीं होता, उसमें तो सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। बच गया, जंपिंग वाला नहीं ले पाया मैं। और मुझे एक करेक्टर भी मिलने वाला है, ऊपर आपको फूल दिख रहे होंगे, वो टोकन है, इलाइट पास के टोकन कह सकते हो उसको आप, जो मंथली आता है उसके अंदर के, जो उसमें जो फ्री आइटम्स होते हैं, उस इलाइट पास में से मुझे, मैं शायद पूछने वाला हूँ, बस मिल जाएगा मुझे, जो लड़की वाला करेक्टर आया है वो वाला, मुझे सर्फर बोर्ड भी उसी में से मिला था, ये स्पीड वाला सर्फर बोर्ड जिसमें रॉकेट लगा है। न जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो। डोरेमोन किस किस का फेवरेट था ये भी बताना कमेंट में। मैं तो बहुत देखता था। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो। कॉपीराइट नहीं आ जाए इस पे, पता नहीं कॉपीराइट आता है या नहीं, गाने से कॉपीराइट आ जाता है।
4420 कॉइन्स, ये तो नहीं छोड़ूंगा मैं। 80 आउट ऑफ 20, 80 अपॉन 20, मुझे जल्दी जल्दी की यूज़ पहले की जमा करना है, क्योंकि की से बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो उसके बाद काफ़ी और मज़ा आता है। जैसे कि इसका जो वाइट वाला बंडल है वो है, वो की वाले में काफ़ी अच्छा बंडल है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया जो लास्ट वाला 280 की का। लेकिन वो और इसमें शायद जब मिशन कंप्लीट हो जाएंगे फिर की मिलेगी कैसे, मुझे ये समझ नहीं आता। जब अगर सारे मिशन अगर हो गए तो उसके बाद की कैसे मिलेगी। अभी मेरे पास पता नहीं, शायद 40 की होगी, 280 की करना है, मैग्नेट तो लेना ही है। शूज़ ले लिया, शू को मैंने अपग्रेड नहीं किया है तो ये जल्दी जल्दी चले जाता है, क्योंकि शूज़ में अगर हम ज़्यादा ऊपर भी टकराते हैं तो जो आपको ऊपर दिख रहे हैं वायर्स, इस पर भी टकरा के आउट हो चुका हूँ मैं 2 बार, इस वजह से मैं शूज़ नहीं लेता। क्योंकि ऑब्वियसली जंप करेंगे शूज़ से तो ऊपर तो टकराएंगे ही, अभी यहाँ पे टकरा सकता था मैं, इसलिए मैंने फिर शूज़ लेना बंद कर दिया। थोड़ा सा वो अनफेयर सा लगता है शूज़ का मुझे। ओ गया, वीडियो देख लेता हूँ। टोटल मैं 6-8 देख चुका हूँ अभी तक, वीडियो मैंने देख भी लिया पूरा कंप्लीट, स्किप कर दिया ऑब्वियसली मैंने एडिटिंग में वाला पार्ट। अभी तो मेरे पास मैग्नेट है तो सारे कॉइन्स आ जाएंगे, वरना मैं सारे ले नहीं पाऊंगा ये वाले। गया मैग्नेट। रॉकेट फिर से मिल गया, चलो अच्छा है। कभी कभी रॉकेट बहुत ज्यादा मिलते हैं और कभी कभी मिलते ही नहीं है। नाउ आई हैव 2,77,000 कॉइन्स, नहीं स्कोर एंड कॉइन्स 5,446 कॉइन्स, और टॉप रन का स्कोर है 51,000 है टॉप का स्कोर। इस लड़की को तो अभी पीछे कर देंगे, पता नहीं लड़की है या, लेकिन प्रोफाइल तो लड़की की है। कितना टाइम लगता होगा जिसका स्कोर 1 करोड़ भी होता है, उनको कितने घंटे लग जाते होंगे खेलने में। मुझे तो अभी 20 मिनट हुआ है यार, आधी घंटा भी नहीं हुआ है। देखता हूँ मतलब मुझे लगभग कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट में 5,000 कॉइन हुए हैं। फिर से आउट, फिर से वीडियो देख लेता हूँ। 4, 3, 2, 1, 0। सर्वर बोर्ड फ्री आया था इसमें, मैंने लेनी थी ये, मेरे पास 75 सर्वर बोर्ड से अभी फिलहाल। देखते हैं कितनी बच पाती है वीडियो क्लास में। मेरे पास अभी 5,000 कॉइन हुए हैं, कितने मिनट, मुझे 20 मिनट हो चुके हैं लगभग खेलते हुए, मतलब 10,000 कॉइन होंगे कम से कम 40 मिनट में होंगे मेरे पास 10,000 कॉइन। देखते हैं, मेरा लगभग 40 मिनट की वीडियो होगी है। फिर से रॉकेट, रॉकेट का अच्छा है स्कोर भी बढ़ जाता है, 3 लाख स्कोर होने वाला है मेरा फिलहाल। चलो अच्छा है, मेरा हाईएस्ट स्कोर अभी 6 लाख और समथिंग कुछ है, देखते हैं कितना हो पाता है। 3 लाख मेरा हो चुका है, वाह मज़ा आ रहा है काफ़ी मुझे। फिर से रॉकेट, वाह वाह ऐसी रॉकेट मिलते रहे और मेरा सारा स्कोर हो जाए अपने आप। 6,000 कॉइन हो चुके हैं, 3 लाख स्कोर हो गया है और अभी हमें हुए हैं फिक्स 20 मिनट, मतलब 12,000 कॉइन हो जाएंगे शायद 40 मिनट्स में, देखते हैं कितने होते हैं। अगर मेरा गेस सही है तो, थोड़ा मेहनत से शायद मेरा कमज़ोर हो,
पता नहीं। ओ ये बचने की जगह थी ही नहीं कि यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। जगह ही ऐसी आई थी जहाँ से बच ही नहीं सकते बिना सर्फर बोट के, दो क्योंकि दो जंप वाले थे ही नहीं, दोनों जगह नीचे से कैसे निकल सकता है कोई इंसान। कभी कभी ऐसे ही होता है, ऐसी जगह आती है कि बच ही नहीं सकते हम। शूज तो लेना ही नहीं है आपको। स्पीड बहुत तेज लग रही होगी लेकिन मैं खेल रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रही अभी क्योंकि मैं सर्फर बोर्ड से अधिकतर खेलता हूँ तो मुझे इतना समझ नहीं आता है कि स्पीड तेज़ है या नहीं, लेकिन देखने में लगती है काफ़ी। जब मैं खुद मेरी वीडियो बाद में देखता हूँ तो लगता है कि हाँ स्पीड काफ़ी तेज़ थी एडिटिंग के वक्त, उस वक्त थोड़ा समझ नहीं आता है। ये लड़की तो जाने वाली है, बस इसका स्कोर तो टूटा, 3000 ही बचा है सिर्फ उसका स्कोर। अगर मैं अपने सारी सर्फर बोर्ड्स को यूज़ कर लूँ, सारी की को यूज़ कर लूँ और वीडियो भी देखूँ तो मेरा कितना स्कोर हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है या नहीं? 1 करोड़ करने के लिए मुझे पता नहीं कितने देर खेलना पड़ेगा इसमें। अभी तो 3,32,000 स्कोर हुआ है सिर्फ। मैग्नेट का काम सबसे अच्छा है और मैग्नेट के वक्त तो मैं खास करके सर्फर बोर्ड लेता ही हूँ क्योंकि सर्फर बोर्ड की स्पीड तेज़ होती है और मैग्नेट दूर तक चला जाता है तो ज़्यादा ज़्यादा कॉइन ले सकते हैं हम लोग, इसलिए फिर से आउट। वीडियो देख लेता हूँ, 3, 2, 1। चलो सर्फर बोर्ड फ्री, बचा, बच गया मैं। जब आउट होने वाला रहता हूँ तो दिल धक धक करने लग जाता है फिर से। अरे शिट, समझ ही नहीं आया एकदम बोलने बोलने में। फिर से रॉकेट और ये हमारा 7000 कॉइन कंप्लीट होने वाला है। ये जो टॉप रन आया है इसका बहुत बड़ा स्कोर है, 3,70,000, 3,69,000 जो अभी फोटो दिख रहा है टॉप रन में, उसका स्कोर पीछे करने के लिए मुझे 3,00,000 स्कोर करना पड़ेगा तब जाके उसे मैं हरा पाऊंगा। ओहो फिर से रॉकेट, मज़ा ही मज़ा, बहुत मज़ा है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं इतना लंबा बोल रहा हूँ, 30 मिनट की, 40 मिनट की शायद होगी क्योंकि 23 मिनट हमें हो चुके हैं रिकॉर्डिंग में। ऑब्वियसली बच गया फिर से, वो जंपिंग मशीन की वजह से जाता मैं अभी, थोड़ा सा लालच। जंपिंग मशीन में मैं जब भी यूज़ करता हूँ मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ऊपर हमेशा रॉकेट होगा उस जंपिंग मशीन में, लेकिन होता नहीं है ऐसा हमेशा। उसमें कभी जंपिंग शूज़ होते हैं या मैग्नेट होता है, जंपिंग शूज़ ज़्यादा देता है लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे हमेशा वहाँ पर रॉकेट मिलेगा, इस वजह से मैं उसे यूज़ करता हूँ। 7,300 कॉइन्स हो चुके हैं हमारे पास और मुझे पता नहीं मैं कितनी बार आउट हो चुका हूँ। और की मैंने यूज़ करी है अभी तक शायद 1, फिर 2, फिर 4, हाँ तो कितनी की हो गई है, 4, 5, 7 की यूज़ करी है मैंने। अब जिसने वीडियो देखी है पूरी वो मैं बता रहा हूँ, 7 की मैंने अभी तक यूज़ कर ली है तो मुझे उसको 30 रुपीज़ रिडीम कोड वो जीत सकता है इंस्टाग्राम पे अगर वो मुझे फॉलो करे और मैसेज में बोले कि कितना की मैंने यूज़ किया है, तो वरना नहीं। अगर एक ही इंसान दोनों आंसर देगा, ये देखो फिर शूज़ आए और मुझे लेना पड़े, इस बार ले लिए मैंने, बच गया मैं। ऐसे ही मैं हमेशा आउट होता हूँ यहाँ पे, लेकिन शूज़ तो जल्दी चले जाएंगे, अपग्रेड ही नहीं कर रखे मैंने, बच गया, नहीं लूँगा इस बार तो शूज़। ना 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 ना। बच गया, बच गया, बच गया।
स्पीड अब बहुत तेज हो चुकी है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ काफी तेज चल रहा है गेम। बचा सर्फर बोर्ड लेना, ये भी ठीक है, आउट नहीं होना चाहता मैं, वरना मेरी 8 की लगेगी, 8 कीज मतलब 8 चाबी लग जाएगी। और ऐसा भी होता है कि वीडियो एक लिमिट के बाद नहीं चलती है, फिर तो वीडियो अगर बंद हो गई तो फिर मुझे की यूज़ करना पड़ेगी, और की नहीं बची मतलब मेरा स्कोर अधूरा रह जाएगा। बचा फिर से शूज ही है यहाँ पे ऊपर, रॉकेट तो बहुत ही कम देता है यहाँ पे, आप कभी कभी बार बार रॉकेट मिलता है। 4 लेग स्क्रू और 8,000 कॉइन हमारे हो चुके हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। उल्टा तो 26 मिनट रिकॉर्ड करते हुए लगता नहीं मुझे इतना टाइम लगेगा ज़्यादा, फिर भी देखते हैं कितना हो पाता है। इसमें सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये जिसने बता दिया वो मेरे हिसाब से इसके अंदर सबसे तेज कौन सा कैरेक्टर है जो दौड़ता है, जो हमेशा जो सबसे तेज ही रहता है, सोचो कमेंट में बताओ, सोच लो, अच्छा कमेंट में मत बताओ, सोच लो पहले, फिर मैं उसका जवाब दूंगा जो मुझे लगता है, जो कभी हारता ही नहीं, जैसे कि अभी फिर से वीडियो देख लेता हूँ, जो कभी नहीं हारता, जो हमेशा रेडी रहता है, जो हमारे करेक्टर से भी तेज दौड़ता है वो मुझे लगता है वो है जो पुलिस वाला है, और वो जो कुत्ता है वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं, वो हर सिचुएशन में हमें पकड़ लेते हैं, वो कभी रुकते ही नहीं है, हम एक बार आउट होकर रुक जाते हैं और हमें आके पकड़ लेते हैं, वो कभी नहीं रुकते पीछे, मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं और वो कभी आउट भी नहीं होते। अगर मैं अभी जरा सा थोड़ा सा टकरा जाऊंगा तो वो पुलिस वाला आके मुझे पकड़ लेगा, मतलब वो कभी थकता, ये देखो आया था फिर, बज गया डॉन को, प्रिंस के को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। अब जो टॉप रन वाला है उसका 2,75,000 स्कोर बचा है टोटल, उसको मैं लगता नहीं शायद पीछे कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारा तो 10K होने वाला है कंप्लीट, 9K हो मतलब 9K हो जाएगा, फिर 10K क्लोज है हम 9K के काफी। थर्टी मिनट होने वाले हैं, 30 मिनट में हमारा हुआ है 30 मिनट 9K स्कोर, ऐसा मान सकते हैं हम। और इसमें ये रहता है कि अगर आगे पहुंचे तो क्लोज मतलब सब चीज स्पेस कम कम रहता है उनमें, आपस में बहुत क्लोज क्लोज आती है सारी जगह। चलो रॉकेट मिल गया फिर से, आधे कोइन तो रॉकेट के मेरे यूं ही छूट जाते हैं, स्पीड तेज में इधर उधर ज़्यादा देता ना है, मेरा रॉकेट 25 सेकेंड तक 25 सेकेंड्स तक चलता है। फिर से जंपिंग मशीन आ गई, इसमें रॉकेट और फिर से रॉकेट, अभी रॉकेट और जंपिंग मशीन कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है इसमें, मुझे तो लगता कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। 4,70,000 स्कोर होने वाला है और 10,000 कॉइन्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, देखते हैं 10,000 के पहले मैं आउट हो पाता हूँ, यानी मुझे तो नहीं होना है, खैर बचूंगा ही मैं। 9,200 कॉइन्स हुए हैं फिलहाल अभी। ओ की वाह, 1 की और बढ़ गई, चलो अच्छा है, 1 की और बढ़ गई है, मैंने 7 की यूज की थी जिसमें से 6 की मान लो अब गया। 20% चार्ज भी बचा है सिर्फ, वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो देख लिया मैंने, सर्फर बोर्ड फ्री था, फोन में चार्ज भी 20% है।
अच्छा स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, अब लग भी रहा है मुझे कि हाँ थोड़ा स्पीड तेज़ है। बचा फिर सर्फर बोर्ड ले भी नहीं सकते इसमें, ये तो ये डर रहता है इस वक्त में जब सर्फर बोर्ड का टाइम लेने वाला नहीं रहता है उसमें थोड़ा सा डर रहता है कि उस मिनट अगर आउट हो गए तो फिर गए, बच गया फिर से। सर्फर बोर्ड ले लेता हूँ, चलो आउट तो हो चुका हूँ मैं। खैर 9500 इस कॉइन हुए मेरे, देखते हैं कितना होता है। 10,000 के बाद देखते हैं कब आउट होता हूँ मैं। 31 मिनट हो चुके हैं मुझे और अभी 10,000 कॉइन नहीं हुए हैं। वही लगभग मैंने बोला था 40 मिनट तक चल सकता है, देख बच गया हूँ मैं। ये शूज़ का बहुत बेकार काम है मुझे, बहुत बच गया फिर, बहुत बेकार लगते हैं मुझे शूज़, ऊपर टकराने का इतना ज़्यादा डर रहता है इसमें। 20% का आ चुका है मेरे इसमें फिर से मैसेज चार्जिंग का। चलो देखते हैं कितने बार क्या होता है। मैग्नेट मेरे फोन में स्पेस भी फुल हो चुकी है, बीच में एक बार मैंने एडिटिंग में इसको कट कर लिया था लेकिन मेरे फोन की स्पेस एक बार वीडियो रुक चुकी थी है। गया बच्चा, फोन की स्पेस फुल हो गई थी क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा थोड़ा स्पेस लगती है। शूज़ ये ऐसे टकरा जाते हैं ऊपर तो आउट हो जाते हैं। मैं तो ये आउट हो भी गया मैं ऐसे, शिट 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 शिट, मुझे 8 की यूज और करना पड़ी। अरे यार मैं बोल ही रहा था और मैं खुद आउट हो गया, अभी इसी तरीके से आउट हुआ मैं। ऊपर ऐसे टकरे जाते हैं, शूज़ का इतना बेकार काम लगता है मुझे, इसीलिए शूज़ ज़्यादा बहुत ही बेकार लगते हैं। क्या यार, 10,000 कॉइन होने ही वाले थे और मैं बिल्कुल बाउंड्री पे जाके आउट हुआ हूँ। अब देखते हैं कब आउट होता हूँ मैं। इसके बाद ना मैं सर्फर बोर्ड यूज़ करूँगा ना की यूज़ करूँगा, और वीडियो तो चली जा चुकी है, पूरी वीडियो हो चुकी है, और ना मैं वीडियो यूज़ करूँगा देखने में। देखते हैं कितना स्कोर होता है। अब 10,000 कॉइन हमारे हो चुके हैं, हमारा स्कोर हुआ है 5 लाख, सिर्फ 5 लाख, क्योंकि हमारे पास स्टार कम कम है अभी। देखते हैं आउट होता हूँ या नहीं, गेस करो अब मैं कितने कॉइन पे आउट होऊंगा। 32 मिनट हुआ है मैं फिलहाल खेलते खेलते, अब मैं आउट होना चाहता हूँ लेकिन मैं आउट नहीं होऊंगा, मुझे पता है ऐसे ही होता है जब आउट नहीं होना चाहते हैं, जब जल्दी होते हैं फिर से रॉकेट मिल गया। ना, इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा बेनेट फूडी की, वो गेम काफ़ी अच्छा गेम है, सिंपल सा गेम है लेकिन वो होता नहीं है सिंपल तरीके से, उसमें बहुत बचना पड़ता है, बहुत परेशान करता है वो गेम। फिर भी मुझे तो नहीं लगता मुझसे वो पार होगा, उसको सारे यूट्यूबर्स खेल चुके हैं उस गेम को, कुछ ने पार किया कुछ ने नहीं कर पाए। मैग्नेट ले लेते हैं पहले, मैग्नेट अभी तक आउट नहीं हुआ हूँ मैं, शायद गेम वाले ने सुन लिया, मुझे लग रहा है स्पीड धीरे हो गई। वन लैख 72,000 स्कोर और सिर्फ जो टॉप वन वाला है, शायद ये भी पीछे हो जाए क्या पता। और कमेंट जरूर करना, कमेंट करते तो थोड़ा अच्छा लगता है, कमेंट करना और वीडियो को शेयर तो करना ही करना, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इसको स्टोरीज में इसको शेयर कर लेना वीडियो को, जो जो इसको देख रहा है सब इंसान सारे लोग। 100 व्यूज तो आराम से हो जाएंगे इस वीडियो पे अगर आप सब इंस्टाग्राम पे अगर अपने से शेयर कर दोगे तो, क्योंकि लोग तो देखते हैं, दो क्लिक जरूर करेंगे आपकी स्टोरीज पे इसलिए। ओह शिट, बच
बचा 1,54,000 अब टॉप रन वाले को, और मेरे पास 11,000 कॉइन हो चुके हैं। बताओ जब मैं 9,000 से 10,000 1,000 कॉइन का गेप था तब मैं 2-3 बार आउट हो गया। अब जब मैं गेम 10,000 पे ख़त्म करना चाहता था तब मैं आउट ही नहीं हो रहा हूँ। 11,000 कॉइन हो गए हैं, 5,67,000 मेरा स्कोर हो चुका है। देखते हैं कब आउट होता हूँ, मैं खुद से आउट नहीं होऊंगा, ऑटोमेटिक जो रहता है आउट होना नेचुरली वैसे ही आउट होके देखते हैं कब तक रहता है। 1,46,000 टॉप स्कोर। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें आवाज़ दी है तो आवाज़ वाली थोड़ी अलग एक इफेक्ट करती है, एक बोरिंगपन नहीं लगता है। बिना आवाज़ वाले में थोड़ा बोर होता है, ये तो है, बिना आवाज़ वाली में सिर्फ गेम में इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन आवाज़ वाली में अच्छा लगता है थोड़ा सुनने में। सुनो और साथ में गेम देखो। 36 मिनट हमें हो चुके हैं खेलते हुए, रॉकेट आ गया, चलो अच्छा है। मेरा फोन बंद नहीं हो जाए, बात ये भी है। सिक्स हंड्रेड कॉइन हो गए हैं टोटल। शूज लेना नहीं है। और 6,00,000 स्कोर हो चुका है हमारा टोटल, 6,00,000 मान के चलो, सिर्फ 4,000 और बाकी है क्योंकि। और मैं ना कुछ भी नहीं लूँगा, मैं सर्फर बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लूँगा, ना वीडियो देखूँगा। 37 मिनट हमें हो चुका है, गेस करो कितना स्कोर होगा हमारा बिना आउट हुए, कितना स्कोर होगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास ये कैरेक्टर है या नहीं है, और आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी, और फेसबुक चलाते हो तो अपने फेसबुक में लिंक के साथ शेयर करना। थर्टी एट मिनट में हमारा स्कोर हुआ है 6,15,000, क्योंकि हमारे पास अभी 6 स्टार है। अगर ये स्टार 12-11 होते तो हमारा स्कोर इससे शायद डबल होता इतनी ही देर में। अभी हमारा स्कोर हो जाता 12,00,000, जो अभी हमारा स्कोर है 6,00,000। फिर से रॉकेट, वाह मज़ा आ गया। ओ सिर्फ 90,000-95,000 स्कोर बाकी है, जो टॉप रन वाला है, जो थोड़ा आदिवासी जैसा जिसका चेहरा है जिंगल आला हु जैसा। न फिर से जंपिंग मशीन, चलो अच्छा है, ये तो मैग्नेट मिला हमें। ओ बच गया। स्टार इसलिए ले क्योंकि स्टार से स्कोर जल्दी बढ़ता है। 12 स्टार हो गए मेरे पास अभी, 12 स्टार है मतलब स्कोर जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जो ये टॉप रनर वाला है जल्दी से पीछे छूट जाएगा, दिक्कत ये पता नहीं मैं इसको पीछे छोड़ पाऊंगा या नहीं। अभी 78,000 और है उसका स्कोर, मुझे नहीं लगता वो शायद पीछे छूटेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 12,000 कॉइन हो चुके हैं हमारे पास। 12,500 कॉइन्स पहली बार, मैंने सच में बता रहा हूँ, मैंने पहली बार इतना स्कोर करा है जिसमें मुझे 12,000 कॉइन हुए हैं। इसके पहले जो करा था उसमें इतने कॉइन नहीं हो पाए थे, 6,00,000 और कुछ था स्कोर उसमें भी। अभी भी 6,48,000 स्कोर है मेरा। 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं हमें खेलते खेलते, ये 1 सेटिंग का गेम था,
40 मिनट्स कंप्लीट हमने खेला और अभी भी मैं खेल ही रहा हूँ। देखते हैं कितना और है। 60,000 स्कोर से रह गए हम। देखते हैं कितना स्कोर हो रहे बच जाता है, उससे आगे जा पाएंगे या नहीं। ना 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 ना। एक और रॉकेट, वाओ। रॉकेट के भी बहुत सारे कॉइन्स छूट जाते हैं मुझसे। थर्टीन फर्स्ट टाइम 13,200 मतलब। सो गाइस वीडियो कैसी लगी थी कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑन करना। और मैंने एक वीडियो डाली थी गिवअवे वाली, और मेरे फ़ोन की स्टोरेज और भी कम, शायद 15% हुआ होगा मेरा फ़ोन। ओ शिट, की छूट गई, लेकिन वो हम की लेते तो आउट हो जाते हैं। 37,000 स्कोर और बाकी है इसका, जो भी टॉप रनर वाला है शायद कर देंगे हम उसे क्रॉस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन पक्का नहीं कह सकते। ओ शिट 6,84,000 स्कोर हुआ हमारा, और हमें 1 स्टार मिला ऊपर हमने, क्योंकि मिशन कंप्लीट किया है। 6,84,000 और हमारा अभी ये इस बॉक्स से मुझे मिले थे 15,00,000 कॉइन, 187, और मेरे पास अभी टोटल कॉइन हो चुके हैं 5,06,000, क्योंकि मैंने सारे कॉइन जो 15,00,000 थे वो यूज़ कर दिए थे करेक्टर लेने में, आपको पता ही है। फिलहाल तो मैं बॉक्स ओपन करता हूँ जिसमें से मुझे 500 और इससे कुछ मिलते हैं कॉइन। तो मेरा टोटल स्कोर हुआ 6,84,000, कॉइन्स हुए इतने ही, यही सब। मिशन कंप्लीट करने से मुझे मिले हैं 5 कीज मिली है मुझे, अभी मेरे पास 31 की हुई है टोटल। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जिसने भी पूरी वीडियो देखी हो उसको सच में थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी थी, सबवे सर्वर के हिसाब से 43 मिनट की वीडियो थी है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट में बताना, जो मैंने चैलेंज दिया वो चैलेंज पूरा करना, और रिडीम कोड्स पा लेना फ्री के, एंड इस वीडियो को शेयर करना अपनी स्टोरी में, व्हाट्सएप में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे इसे ज़रूर यूज़ करना, इसकी लिंक देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में।